अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसने बोला कि छह आदमी और आठ बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते। छह आदमी और आठ बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिनों में। इसने बोला कि 26 आदमी और 48 बच्चे मिलकर काम को 2 दिनों के अंदर। तो आप मुझे बताएंगे कि 10 आदमी और 20 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते। यही बोला। देखिएगा, जब भी मुझे किसी के दिन निकालने हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखो कुल काम बटा प्रतिदिन का फिक्स है। तो कुल काम 10 गुना 6 60 और 10 गुना 8 80। तो 60 आदमी और 80 बोरी, 2 गुना 26 52 और 2 गुना 48। दिनों की गुणा कर, आदमी एक था, 8 में से 52 गया, इधर कितना है 9 by 8 16 बटा 8 का मतलब 2 बटा। आदमी अगर 2 करेगा तो लड़का कितने काम करेगा? आदमी अगर 2 काम करेगा तो लड़का कितने करेगा? बात समझ आ गई? अब पहले मेरे को निकालना है कुल कार्य और कुल काम बटा प्रतिदिन का काम, यही तो है। सबसे पहले मैं कुल कार्य निकालता हूं। कुल कार्य एम की जगह कितना रख दोगे? 2। 60 गुणा 2 120 और 80 टोटल कितना? कुल काम आ गया। देखिए, चाहे इस क्वेश्चन की क्वेश्चन बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो कुछ भी बोले, बस हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी मुझे दिनों की संख्या निकालनी है कुल काम है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी था उसके दिनों की गुणा करती, जो भी था उसके दिनों की गुणा करती, ऐसे करके आगे एम की जगह 2 आ गया, डब्ल्यू बी की जगह 1 आ गया, तो एम की जगह 2 रखो, 60 गुणे 2 120, 80 गुणे 1 80, तो ये 200 आ गया, 200 बटा एम की जगह कितना रखो? 2, 10 गुना 2 प्लस बी की जगह कितना रखो? 1, 20 गुना 1, 10 गुनी 20, 20 और 20 40, 200 बटा। आंसर आ जाएगा 5 दिन। जब भी मुझे दिनों की संख्या निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कुल काम बटा प्रतिदिन का काम। जब भी दिनों की संख्या निकालनी है कुल काम बटा प्रतिदिन का। इस तरीके से क्वेश्चन करने का, जैसे आप लोगों ने, हो सकता है जिसने पहले टाइम एंड वर्क पढ़ रखा हो उसने कन्वर्ट करके पढ़ रखा होगा कि 4 आदमी और 5 औरतें, मतलब कन्वर्ट कर दो, आदमी को औरतों में और दो बच्चों में, इस तरीके से एक दूसरे को चेंज करके। मैं चेंज करके क्यों नहीं सिखा रहा? अगले क्वेश्चन में आपको सब समझ आ जाएगी इस बात। मैं अगर कोई मेथड को चेंज कर रहा हूं ना, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत पुराना मेथड हो गया, 2010-11 का मेथड है वो, आपस में कन्वर्ट करना। लेकिन क्या आदमी को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया, लड़कों को उधर इधर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब आ गया वैल्यू पुटिंग,
कि एम की जगह दो रखो, बी की जगह एक रखो, 60 × 2 + 80 × 1 आ गया 40 / 1 एम की जगह दो और बी की जगह एक, तो 20 × 20 टोटल कितना है 40। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इसने बोला कि तीन आदमी और चार औरतें उसको 16 दिनों में, 16 × 3 = 48 और 16 × 4 = 64 गुणा कर दिया, आपको पता था क्या गुणा कर दिया, इज इक्वल चार आदमी और तीन औरतें 12 दिनों में, तो चार आदमी तीन औरतें 12 दिनों में 48 और 36 48 इधर देखे तो 48 में से 48 गया तो 0 आदमी, और एक बात मतलब जो कन्वर्ट करने वाले हैं, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा वो समझ रहे कि मेरी बात में क्या कह रहा है, 0 आदमी बराबर है 250, तब कैसे कन्वर्ट करोगे? हमेशा ऐसे क्वेश्चन तो आपने देखे हैं कि एक आदमी तीन बच्चों के बराबर है, तो आदमी की जगह तीन बच्चे रख दो। अगर 0 आदमी बराबर है 2800, अब कैसे पंगा बन जाता है? और ऐसा कोई पंगा पेपर में ना बने, इसलिए मैंने क्या बोला कि इसको कन्वर्ट कर दो मैं, और 28 और 0 आदमी 28 तो औरत कितना, अब यहां से पहले कुल काम निकाल, आदमी 28 तो 48 × 28 और औरत कितनी है 0, 64 × 0 तो 0 ही रह जाएगा, मतलब तो कुल काम बटा प्रतिदिन का काम, प्रतिदिन का किस काम, 7 × 27 आदमी कितना है औरत कितनी है 0, तो 27 × 0 तो 0 ही बन गया, तो 7 × 28 7 × 28 28 कट जाएगा, 7 × 41 6 × 6 = 9 जब भी किसी के दिनों की संख्या निकालनी है तो हमेशा क्या कर देना है, कुल काम बटा प्रतिदिन का काम, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी के दिनों की संख्या निकालनी है कुल काम बटा प्रतिदिन का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 53 एक साथ 216 पेजों को 4 घंटे में करते हैं। 216 पेज 4 घंटे में है तो 4 × 20 और 4 × 14। अब इसने बोला कि 4 घंटे में करते हैं तो आर क्यू से जितने अधिक करता है, क्यू पी से उतने अधिक करता है। आर क्यू से जितना ज्यादा, क्यू पी से उतना ही ज्यादा। आर क्यू से जितना ज्यादा, क्यू पी से उतना ही ज्यादा, ठीक है। अब इसने बोला कि 5 घंटे में 8 द्वारा टाइप किए गए पेज और 7 घंटे में पी द्वारा टाइप किए गए पेज बराबर, तो आर बाई पी। अगर R 1 घंटे में 7 पेज करेगा तो P 1 घंटे में कितने करेगा? R 1 घंटे में 7 करेगा तो P 1 घंटे में कितने कर देगा? इसने स्पष्ट बोला था कि R Q से जितना ज्यादा, Q P से उतना ही ज्यादा। ये मिड पॉइंट है बिल्कुल। तो 7 और 5 = 12, 12/2 6 देख लो। क्यों पी से 1 ज्यादा है, आर क्यू से 1 ज्यादा है। इसने का मतलब समझे कि आर क्यू से कितना ज्यादा तो क्यों पी से उतना ही ज्यादा। मजा गई। तो अब अगर ये 7 और ये 5 है, 5 × 7 = 12/2 6 1 ज्यादा, ये भी 1 ज्यादा, 12 और 6 18। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ये 18 ना होकर ये है कितना, 14। 3 गुणा पर है, 7 × 3 = कितना हो जाएगा, 6 × 3 = कितना हो जाएगा, 5 × 3 = कितना हो जाएगा, क्वेश्चन कितना है, 18 हो गए। एक बार और बता देंगे, नॉट थ्री का पहले दोबारा बता देता हूँ। बी क्यू और आर 216 पेजों को 4 घंटे में, 4 घंटे में 216 तो 1 घंटे में कितना है, 54। फिर इसने बोला कि 5 घंटे में आर बराबर है 7 घंटे में पी, तो आर बाई पी कितना हो जाएगा, 7 और 5 की आर अगर कितना है 7 तो पी कितना हो जाएगा, 5। अब इसने बोला कि आर क्यू से जितना ज्यादा, क्यों पी से उतना ही ज्यादा, तो 7 और 5 = 12, 12/2 6 ठीक है। तो ये 1 ज्यादा, तो ये भी 1 ज्यादा, 7 और 5 = 12 और 6 18 दिया, 14 कितने गुणा, 3 गुणा, इसका भी 3 गुणा, इसका भी 3 गुणा, इसका भी 3 गुणा, कितना आ जाएगा, लिखिएगा अगला। नेक्स्ट टाइप का लिएगा, नेक्स्ट टाइप अगले से अगला करो पहले। क्वेश्चन नंबर 55 करिए पहले, क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान से पढ़ना। अगली टाइप डालकर बड़ी आसान सी टाइप है, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा सा। इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है, अभी छोटे जितने भी एग्जाम्स आएंगे इसके अंदर पूछेगा ये। देखिएगा, इसने बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने समय में करते हैं,
एक अकेले उस काम को करने में 27 घंटे अधिक लेता है और बी अकेले उस काम को करने में उन दोनों के समय से 1 घंटे अधिक लेता है। ए और बी बिल्कुल उसको जितने समय में करते हैं, ए अकेला 27 घंटे अधिक, बी अकेला 1 घंटे अधिक। क्लियर हो गया? एक फॉर्मेट है ये, दोनों के मिलाकर भी दे रखे। और इसमें से फिर एक पार्टी के दिन फिर दूसरे पार्टी के दिन ऐसे दे। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आपको मिले तो हमेशा करना क्या है, इनकी गुणा कर दो 27 गुणा 3, 27 गुणा 3 की तरह बने 27 गुणा 3 81 का अगर आप अंडर रूट निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आता है, ऐसा करते क्यों है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन करते कैसे हैं वो बताएं कि जब मेरी दो व्यक्तियों के मिलाकर दिन दे दिए और इन दोनों में से एक के दे दिए और फिर दूसरे के दे दिए, जब कभी भी ऐसा होता है तो जो इन दोनों के दिन है ना इनसे ज्यादा कितना है 27 और इनसे ज्यादा कितना है 3, 27 और 3 की गुणा और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 9। इससे अगला करके देखो 56 नंबर करके देखिए, एक अकेला उसको कितने घंटे में कर सकता है 4.5 घंटे अधिक और बी अकेला उसको कितने घंटे अधिक कर देता है अपनी, ए अकेला आठ है और बी अकेला कितना है 4.5 आठ है और ये कितना है 4.5। जब भी ऐसा होता है तो ये करो 8 4 8 हो गए 9 4 36 और 36 करो कितना बन गया 8 इसे कितना ज्यादा है 4.5 इनकी मल्टीप्लाई करके रूट कर दी थी, किसका मान आएगा ये x का मान, किसका मान आएगा, दोनों का मिलाकर x का मान आएगा। क्लियर हो गया? अभी हमें ये नहीं पता चला कि सर ऐसा करते क्यों, लेकिन बस ये पता चल गया करना कैसे है जब कि दो व्यक्तियों के मिलाकर दे रखे हैं, इन दोनों में से अकेले के दे दिए फिर उस दूसरे के दे दिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये संख्या है दोनों का इससे कितना ज्यादा और इससे कितना ज्यादा मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे इसके वैल्यू बाद। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 करके देखिए 57 57 नंबर क्वेश्चन करके देखिए, ए और बी बिल्कुल उसको जितने समय में करते हैं, ए अकेला x प्लस 16/3 और बी अकेला x प्लस 25/3 8 से 1/3 ना 8 से 24 25/3
और जब भी इस तरह का फॉर्मेट बन जाए तो आपको करना क्या है, 16/3 16 का रूट है 4, 20/3 और 20/3 तो कितना हो जाएगा 6 से ही 2। अच्छा आ जाएगा 6 से 2 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 54 पर, क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें बोला है कि ए और बी मिलकर उसको जितने समय में कर सकते हैं, सी अकेला उसको उतने ही समय में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसको जितने समय में करेंगे, सी अकेला भी कितने समय में करेगा। मान लेता हूं ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं तो सी अकेला भी कितने दिन में कर देगा। जान बुझ के तीसरा व्यक्ति आ गया कोई मतलब नहीं है, बात वही है देखने का, ठीक है। अगला, अब इसने बोला कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन ज्यादा, सी के दिन कितने हैं? एक्स। तो ए के दिन कितने हो जाएंगे? x+9। और ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, मतलब यहां 5 ज्यादा है तो यहां के लिए 5 कम कर देते तो -5 का होगा कितना आएगा x+9। क्या वही फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ए और बी उसको जितने समय में करते, मैंने बोला x, उतने ही समय में सी करता है। बात समझ आ गई? ए अकेला सी से 9 दिन ज्यादा, सी का दिन कितना है? एक्स, एक्स में 9 ज्यादा, और ए अकेला बी से 5 दिन ज्यादा, यहां पर 5 ज्यादा है तो ये क्या करेंगे? कम, तो 5 कम कर देंगे। हमेशा प्लस का फॉर्मेट बनाओ, माइनस का फॉर्मेट नहीं बनाओ। ध्यान क्या रखना है, हमेशा प्लस बनाना है। कम हो जाएगा तो दूसरे को मान लो तो दूसरी तरफ तो प्लस ही हो जाएगा, हमेशा प्लस। और अब अगर मेरे पास ये संख्या आ गई तो क्या हम एक्स का मान निकाल सकता हूँ? 9 × 4 और इसका अंडर रूट, और 9 × 4 36, और 36 का रूट कितना पड़ेगा? तो एक्स का मान 6 आ गया, और एक्स का मान अगर 6 आ गया तो अब उसने मेरे से पूछा कि बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में, तो ए के दिन कितने? 6 + 9 कितने दिन आ जाएगा? 6 + 9 कितना आ जाएगा? 9 अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 58 नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर। अलग से टाइप है, अलग से टाइप है। अच्छा मैं ये
ऐसे जानने की कोई इच्छुक है तो बताओ कि ऐसा होता क्यों है, नहीं तो पता तो चली गया बताइए। अब एक बात देखो, अगर ए और बी का, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं एक्स के, ए अकेला उस काम को करता है एक्स प्लस नौ और बी अकेला उस काम को करता है एक्स प्लस चार, तो एक्स का मान अगर मेरे को निकालना था तो होना चाहिए 36 का कुछ है, यही तो है तो मैंने क्या किया, ए का एक दिन का नाम एक्स प्लस नौ, बी का एक दिन का नाम एक्स प्लस चार, इज इक्वल टू दोनों का मिलाकर एक दिन का नाम, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया एक्स प्लस नौ और एक्स प्लस चार, हमेशा इसको ऊपर करेंगे एक्स प्लस चार, इसको ऊपर करेंगे एक्स प्लस नौ इज इक्वल टू वन अपॉन, ये ऊपर तो आ जाएगा 2x+13, ये तो ऊपर आ जाएगा 2x+13 और ये x की गुणा हो जाएगी 2x2+13x इज इक्वल टू x2+13x और प्लस में 36, 13x से 13x कट गया, 2x2 से x2 गया, तो x2 अगर x2 इक्वल टू कितना आ गया, या तो ये सारी नाम खाली करो, अब हमें पता लग गया ऐसा होता है लेकिन कोई फायदा हुआ और हकीकत में पता लगा सत्री बात है, यानी कि सीधे सीधे टू द पॉइंट बात पे काम करो, भाई ये 36 कहां से आया, ये 9 × 4 ही तो हुआ है यार, और मैं भी तो यही कह रहा था इनकी गुणा करके रूट निकाल दो भाई एक्स के बराबर आएगा बात खत्म, बस वो मन का कई बार भय होता है यार पता है नहीं सीधा सीधा बता दिया ना मजा नहीं आया और ये बता दिया अब तेरा नंबर ही ठीक समझ गए ना चीज, यानी कि जो कई बार अपने पास होता है ना उसमें बुराई लगती है लेकिन जैसे ही वो चीज लगे चलो इसको हटा देते हैं तो लगता है यार भाई ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, 58 क्वेश्चन नंबर 58 एक किसी काम को हरिंदर सिंह किसी काम को करने में भीम से 5 दिन कम लेता है जबकि दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, हरिंदर सिंह 5 दिन कम लेता है और दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, मतलब हरिंदर सिंह और भीम सिंह मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं और हरिंदर सिंह 5 दिन कम लेता है, जब दोनों के दिनों का जोड़ और दोनों के दिनों का अंतर, ये तो दे रखा है भाई, एक 10 दिन लेगा तो 1 15 लेगा, 1 20 लेगा तो 1 25 लेगा, 1 30 लेगा तो 1 35 लेगा, 1 50 लेगा तो 1 55 लेगा, अंतर ही तो दे रखा है 5, दोनों के दिनों का अंतर और दोनों के दिनों का जोड़, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो व्यक्तियों के दिनों का अंतर और दो व्यक्ति के दिनों का जोड़, क्लियर हो गया। देखो एक तो एक्स तरीका तो है, जैसे अभी बताया था एक एक्स मान लो एक्स प्लस 5 मान लो ये रोल ये लो, लेकिन उतना समय किसके पास, ऑप्शन के तरीके से ऑप्शन मानने वाले 12, 15, 10 और 20, ऑप्शन है 12, 15, 10 और तो 5-5 का अंतर देखो कहां है, 12 तो वैसे ही 12 है, 3 बच गए, एक जोड़ा तो ये बढ़ सकता है 10 और 15, और एक जोड़ा बढ़ सकता है 15 और 20, मान लेते हैं एक बार के लिए 20 को मैं यहां लिखता हूं, 15 और 20 का जोड़ा बना दिया, 15 और 20 एलसीएम की तरह 15 × 4 = 60 और 20 दिया तो 4 × 3 = 60/60, 7 × 8 = 56, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, देखो इसने बोला अगर हरेंद्र सिंह 15 लेगा तो भीम सिंह लेगा 20 दिन, तो दोनों के दिनों का अंतर कितना है, अंतर 5 है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे, तो अगर मैंने दोनों का मिलकर निकाला तो कितना दिन आता है, 8 × 4 बात बनी हुई, दोनों का मिलकर कितना आना चाहिए, गलत आ गया, दूसरा ऑप्शन गलत आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन करो 1 10 और 1 15 है, अंतर तो 5 ही आ गया, तो पहली कंडीशन तो सही होगी,
अब दूसरी प्रूफ करते हैं, 10 और 15 का एलसीएम कितना 30, 10 दिया 30 और 15 तो नहीं 30, 3 और 2 5 और 30 बटा 5 कितने दिन आ गए, और दोनों का मिलकर कितने दे रहे हैं, मैच होगी या कंडीशन, और अगर कंडीशन मैच हो जाए, अगर कंडीशन मैच हो जाए फिर तो सही माना है। इसने बच्चे पूछा है कि भीम सिंह के दिन बताइए कितने हैं, तो भीम सिंह के दिन है तो भीम सिंह के दिन कितने आते हैं, ज्यादा बने दिन भीम सिंह के, एक तरीका तो है ये वाई ऑप्शन। अभी लिखिए बात, देखिए मैं आपको बहुत जल्दी तरीके बहुत जल्दी ऑप्शन दिखा देंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता था, देखिए मैथ है रीजनिंग है, एकमात्र कॉम्पिटिशन का कोई पेपर दे दो, यानी कि पटवारी का किसी भी पत्र को शीशे दे देना, कोई और बड़ा पेपर दे दो, मैथ और रीजनिंग के अलावा एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके में फुल बटा फुल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मैथ के अंदर अगर उतनी मेहनत कर ली जाए तो क्या होगा कि 100 में से मैं मानता हूँ 40 बच्चों के पूरे बटे पूरे आते, और उतनी ही मेहनत आप जीके में कर दो आ सकते हैं, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जीके के अंदर कितना ही पढ़ ले सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, ये फिक्स है, आप अपने लेवल पे कितना ही पढ़ लो, कितनी साइंस पढ़ ले जी बहुत अच्छी पढ़ती, कला संस्कृति जी बहुत अच्छी पढ़ती, अरे भाई आरएस वाला भी तो वही पढ़ता है जिसने साइंस साइंस से आईएएस का एग्जाम दे रहा है, वो भी वही साइंस पढ़ रहा है, वो भी वही रक्त पढ़ रहा है, वो भी वही परिसंचरण तंत्र पढ़ रहा है, समझ गए ना, वो भी वही श्वसन तंत्र पढ़ रहा है, लेकिन उसमें हम ये बोल देते हैं कि यार बस इससे बात होता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देनी पड़ती, लेकिन मैथ और रीजनिंग दो एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि बाहर आ ही नहीं सकता, आप कॉम्पिटिशन को निकाले हुए ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार मेरे पूरे बटे पूरे नंबर आए थे, मैथ के अंदर मिल जाएंगे, रीजनिंग में मिल जाएंगे, जीएस जीएस मतलब जनरल स्टडीज कि उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें चाहे राजस्थान वाली आ जाए चाहे इंडियन वाली आ जाए, उसमें बहुत हम ऐसे लोग मिलते हैं कि जिसके मेरे पूरे बटा पूरा है, लेकिन इनका सिलेबस बहुत होता है, संविधान है हम भी पढ़ेंगे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, सीजन वाले भी पढ़ते हैं, आर एस वाले भी पढ़ते हैं, फिर आई एस वाले पढ़ते हैं, संविधान तो संविधान ही है वही, समझ गए ना, लेकिन हम लोग को एक इतना सा पूरा बढ़ा के पढ़ना पड़ता है कि आप बस इतने विषय आ जाए, तो कोई ये दो सब्जेक्ट के ऊपर का थोड़ी सी कमांड रखना। अब देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे अलग अलग छह दो व्यक्तियों के समय का अंतर दे दिया और दो व्यक्तियों के समय का योग, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 5 और 6, एलसीएम तो वह संख्या जो पूरा पूरा भाग जाएगी, तो इस एलसीएम को कौन सी संख्या भाग कर सकते, 10 भाग कर सकता है, 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, 12 कर सकता है, बाहर ये दो संख्या बच गई, एक हरिंदर सिंह के दिन बच गई, भीम सिंह के दिन बच गई, भीम सिंह का पूछा है, और एलसीएम का मतलब क्या, पूरा पूरा भाग देगा कि देखेगा, हमेशा फिक्स है ये 100 तक, कभी मतलब ही नहीं है पेपर में पास चला जाए, तो लिख लो ये बात, कल तो एक बार इसमें नोट करिए, फिर मैं नोट पॉइंट करके लिखवा दूंगा आपको, इस बात को नोट करिएगा, देखिएगा इससे अगला क्वेश्चन करके देखते हैं।
अच्छा नोट करवा रहे थे, बस आपको पता लगी गए नोट क्या क्या बनना है। जो इनका एलसीएम होगा वही उन ऑप्शन में सबसे संख्या होगा वही एलसीएम, जो इनका एलसीएम होगा ऑप्शन की उन्हीं संख्या होगा वही एलसीएम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसने बोला कि दो व्यक्ति मिलकर 11 से 1 बटा 9 मतलब 100 बटा है और एक के दिन दूसरे से कितने कम है, और ऑप्शन दे रखे हैं मैंने 25, 15, 30 और 20। 25, 15, 30 और 20। इसने पूछा बीमशीन का बताओ, दोनों के दिनों का अंतर दे रखा है, दोनों के समय का योग दे रखा है, 5 दिन का अंतर है और समय का योग है 100 बटा। एक बात देखो, एलसीएम जब लेते हैं ना, ऐसी संख्याओं का एलसीएम यहां संख्या ऊपर नीचे है, यहां संख्या सिर्फ ऊपर है नीचे तो कुछ है नहीं, एक है, तो इस तरह की संख्याओं में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को छुपा दो, ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, समझ आ गया। हमेशा जब भी ऐसी संख्याओं का एलसीएम लेना ना, कि ऊपर नीचे संख्या है फिर ऊपर नीचे संख्या है, तो नीचे की संख्या को छुपा लो भाई, नीचे की संख्या को छुपा लो, तो 100 और 5 तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 5 का एलसीएम 100 आ गया, तो भी मतलब 25 100 को भाग कर सकता है, 15 30 20 कर सकता है। तो अब भीम सिंह के एक के दिन भीम सिंह क्या गए, हरेंद्र सिंह के दिन आ गए, तो भीम सिंह के दिन कुछ में कुछ बना दिया, सीधा सीधा 100% है, कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, मैं बोल के करवाता हूं, क्वेश्चन आ जाएगा। ए 12 दिन है, बी 15 दिन है, ए 12 दिन है, बी 15 दिन है, ए 12 दिन है, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया, और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया, समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया, तो बताइए, तो बताइए दो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, अब देखिएगा मैं आपको पहले बेसिक से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ये 12 है ये 15 है, तो 12 और 15 का कितना हो जाएगा, अगर 12 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर, 15 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर। अब इसने बोला भाई ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्त, ए और बी ने मिलकर शुरू कर दिया और समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, कितने दिन पहले, 3 दिन। अगर बी छोड़ ही गया तो आखिरी के 3 दिन कौन कर रहा, और शुरुआत में कौन कौन कर रहे थे, ए प्लस, ये कितना है, 5 × 3 15 हो गया, 15 हो गए भाई, आखिरी के 3 दिन तो 15 हो गए,
और 60 में से अगर 15 हो गया, 60 में से 15 हो गया तो बचा क्या? इस 45 को कौन कौन करेगा? ए और 5 और 4 45 बचा, तो ये कितने दिन आ जाएगा? 5 दिन तो ये रहा और 3 दिन ये रहा, 5 प्लस में 3 तो टोटल कितने दिन बचे? चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब देखिएगा मैं जो कह रहा हूं इस तरीके, मैं ये नहीं कह रहा ये तरीका गलत है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि नॉर्मल तरीके काम नहीं करते। ये नॉर्मल तरीके हैं, इसमें स्पष्ट बोला कि बी आखिरी से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी आखिरी से 3 दिन तो बी फाइन तो था और फिर शुरुआत में दोनों थे, यहाँ पे ऐसे करवा दिया दोनों से करवा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो जितने देखिए 60 कम तो है ही मेरे पास, जो जितने दिन पहले काम छोड़कर चला जाए उसको उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। मतलब कोई अंत में काम छोड़ के जा रहा है वो गुस्सा होकर चला गया, उसको मना दो कि भाई आप जाओ आप काम करो यार। बी 3 दिन पहले गया था तो बी 1 दिन में करता है 4, 3 दिन के अंदर बी कितने कर देगा? 60 और 12 टोटल कितना हो जाएगा? 1 दिन में करता है 4 तो 3 दिन के अंदर 12, 60 और 12 टोटल कितना? जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसको उतने दिन का काम जोड़ दो, कि आप मत लो नहीं जाएंगे तो काम तो करेगा। बी कह रहा है कि जब मैं हुई थी, जब मैं 3 दिन नहीं था तब हो गया आपका 60 काम, तो अगर मैं भी होता तो फिर 3 मैं भी तो कुछ करता। जब हार्दिक पांडे 47वें ओवर में आउट होकर चला गया तब जाके इंडिया ने 260 बढ़ा दिए, अगर वो आखिरी के 3 ओवर और खड़ा रहता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते। ये बी कह रहे कि जब मैं नहीं था तब 60, अगर मैं भी रहूंगा तो 4 × 3 = 12 तो 72 हो जाए, 72 हो गया। अब ये 72 टोटल है और अब दोनों का मिला करना 5 और 4 72 बताना कितने लिखा, यानी जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसका उतने ही दिन का काम ऐड कर दिया करो, पहले जो छोड़कर जा रहा है उसका उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। नोट करिएगा ये वाला पैटर्न, नोट करना बस, उधर वाला नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉपी के अंदर ज्यादा चीजें लिखी रहेंगी तो पता नहीं चलता है कि क्या ये वाला पैटर्न। जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसका उतने ही दिन का काम जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 61 करके देखिए, 61 नंबर, क्वेश्चन नंबर 61 करके देखिएगा। इसने बोला कि ये 10 दिन भी 12 दिन सी 15 दिन, ए 10 है ये 60 है ये 6 ये 5 ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले, जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसको उतने दिन का काम जोड़ दीजिए। 6 × 5 कितना जोड़ता है? 30। ये 5 दिन पहले गया अगले लाइन, और एक के छोड़ने के 2 दिन बाद भी
दो दिन बाद गया तो हम से कितने दिन पहले गया? तीन दिन। ये बात समझ पाएंगे आप? देखो ये गया था मान लेते हैं 12-10 तारीख, ये 5 दिन पहले चला गया, चलो 12 तारीख मान लो, 5 दिन पहले चला गया, तो 7 तारीख तक काम किया, 8, 9, 10, 11, 12 सात तारीख तक काम करके चला गया और इसके 2 दिन बाद बी गया, तो बी ने तो 8 को भी काम किया और 9 को भी काम किया, तो बी कितने दिन पहले चला गया? 10, 11 और 12 दिन पहले चला गया। बोलो हाँ कि ना? तो ये सिचुएशन अलग तरीके से बोल दी, बात वही है, अंत से 5 दिन पहले और इसके 2 दिन बाद, तो इसका मतलब अंत से 3 दिन पहले, तो बी का 3 दिन का काम जोड़ दो, बी का 3 दिन का जोड़ देंगे तो 5 × 3 टोटल कितना हो? 60 और 30 90 15 कितना? 105/6, 5, 11 और 4 105/15 तो कितने दिन?